हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्यों 2030 भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत ही बड़ा साल यानी कि एक बहुत ही अहम साल होने वाला है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने कुछ टारगेट रखा है 2030 तक। वो क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पीयूष गोयल का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारतीय रेलवे जो है वो नेट जीरो रेलवे बनने जा रहा है, यानी कि भारतीय रेलवे जो है वो जीरो कार्बन एमिशन करेगा एनवायरनमेंट में 2030 तक। ये टारगेट जो है वो रखा गया है। साथ ही अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे के जो ट्रांसपोर्ट है, नियरली 8 बिलियन पैसेंजर्स एंड 1.2 टन ऑफ फ्रेट एवरी ईयर, इतना इंडियन रेलवे का जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, इतना उनका बिजनेस होता है पर ईयर के हिसाब से। आखिर ये कार्बन एमिशन को जीरो करने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अब हम सभी को पता है कार्बन एमिशन की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज होते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से इंडियन रेलवे ने फैसला लिया है कि 2030 तक वो जीरो कार्बन एमिशन करने वाला है। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टारगेट फिक्स किया है जीरो कार्बन एमिशन का। साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड US, रशिया और चाइना के बाद हमारा भारत देश जो है वो चौथे नंबर पे आता है पूरे दुनिया में रेलवे नेटवर्क के साथ। और 67,368 किलोमीटर ट्रैक है इंडियन रेलवे के पास। साथ ही 7,300 स्टेशंस है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा जो है हमारा। अभी फिलहाल की बात करें तो 2014 की बात करें तो 6.84 मिलियन टन्स जो है वो कार्बन एमिशन किया था, नीति आयोग की ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। सो इंडियन रेलवे ने एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि 2030 तक वो जीरो कार्बन एमिशन पे काम करने वाला है, यानी कि हमारे भारत देश में 2030 तक सारे पूरा रेल नेटवर्क जो है इलेक्ट्रिफाइड करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। सो यही एक थी बहुत ही अच्छी अपडेट और बहुत ही बड़ी खबर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।